हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो में टॉपिक है सुई सॉकेट गर्म होता है और जल जाता है क्यों। मैं तुषार अमात आपको स्वागत करता हूं आपका चैनल तुषार इलेक्ट्रिशियन पर। चलिए कंप्लीट वीडियो को देखते हैं। आप सुई सॉकेट नया वाला लगाते हैं और एक महीना दो महीना के अंदर यह बात जल्दी ख़राब क्यों हो जाता है, उसका चार रीज़न होता है, चार कारण होता है। पहला लॉज कनेक्शन, दूसरा ओवरलोड, तीसरा रॉन्ग वायरिंग और चौथा सॉकेट में जो लगाते हैं खाली वायर, स्पेशली जो सर्विस वायर लगाते हैं बिना प्लग में, उसके लिए स्पार्क होके जल्दी ख़राब हो जाता है। एक क्या बोला था, लॉज कनेक्शन। लॉज कनेक्शन क्या होता है, देखिए फ्रेंड, जो सॉकेट में पीछे साइड जो लगाते हैं वायरिंग करते हैं, वो टर्मिनल पे जो लगाते हैं प्रॉपर तरीके से टाइट नहीं करते हैं, ढीला छोड़ देते हैं, उधर स्पार्क होके जल जाता है। दूसरा ओवरलोड। ओवरलोड क्या होता है, देखिए फ्रेंड, 6 एम्पियर स्विच सॉकेट में यदि हम लोग 16 एम्पियर का स्विच सॉकेट का लोड देंगे तो जल्दी ख़राब हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, 6 एम्पियर सॉकेट में क्या क्या लगाते हैं, लाइट हो गया, फैन हो गया, होम थिएटर, जो कम लोड लेने वाला, कम लोड लेने वाला उपद्रव लगाते हैं, उसमें ज़्यादा हीटिंग लेने वाला उपद्रव लगाएंगे तो 6 एम्पियर में क्या होगा, जल जाएगा। ज़्यादा एम्पियर का उपद्रव क्या होता है, जैसे कि गीजर हो गया, हीटर हो गया, स्प्रेस आयरन हो गया, ये सब लगाएंगे तो क्या होगा, हीटिंग होके सॉकेट खराब हो जाएगा। तीसरा रॉन्ग वायरिंग। रॉन्ग वायरिंग क्या होता है, देखिए फ्रेंड, रॉन्ग वायरिंग क्या होता है, जैसे कि हमारा नॉर्मली जो बोर्ड को वायरिंग होता है 2.5 और 1.5, हम लोग 2.5 स्क्वायर एम एम जगह में 1 mm वायर लगाएंगे तो सॉकेट में क्या होगा, वायर हीटिंग होगा, ये वायर हीटिंग होने के बाद सॉकेट खराब हो जाएगा। चौथा क्या होता है, जो प्लग सॉकेट में जो लगाते हैं प्लग, खाली वायर को लगाने से, तो सॉकेट में खाली वायर लगाने से उधर स्पार्क होता है, ढीला रहता है, स्पार्क होता है, उसके कारण सॉकेट खराब हो जाता है। देखिए फ्रेंड, ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो आपके चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।